हेलो स्टूडेंट्स, अमिताभ सर हियर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक गोल्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। और हमने ये भी आपको बताया था कि अल्टीमेटली इन द ईयर 1950 इंडिया हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी विच इज अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी जहां पे प्राइवेट ओनर्स और सरकार गवर्नमेंट मिल करके एक साथ काम करती है। ठीक है, अब आइए जानते हैं। फिर से मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है। कोऑर्डिनेशन एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एज पर द नीड्स ऑफ द नेशन, यानी हम जानते हैं कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज काफी लिमिटेड है और जब भी हम उसको यूटिलाइज करें, सोच समझ करके करें ताकि उससे कोई वेस्टेज ना हो और उसको हम फुल्ली यूटिलाइज कर सकें, और जब भी उसको हम यूज करें एज पर द नीड्स ऑफ द नेशन हम उसको यूज करें। अब देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी का होना जरूरी है, और उस समय जिस सेंट्रल अथॉरिटी का गठन हमने किया उसका नाम है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का गठन मार्च 1950 में किया गया, यानी जस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के तुरंत बाद। और बाद में फरवरी 2015 में इसका नाम बदल करके पॉलिसी कमीशन रख दिया गया, यानी नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था 5 ईयर प्लान्स को बनाने में, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रोफेसर पीसी महलनोबिस का था। ठीक है, विच हु इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड वेरी फेमस स्टैटिस्टिशियन, प्रोफेसर पीसी महलनोबिस। उन्होंने पंचवर्षीय योजना के गठन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ओके, अब हम लोग आते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो देखिए, दो प्रकार का ऑब्जेक्टिव्स होता है, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और एक शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ऐसा हम मान लेते हैं कि लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो 20 ईयर्स के लिए होता है और शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव जो है वो 5 ईयर्स के लिए होता है। लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स को प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है। लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो नोन एज प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स, और शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स को प्लान ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है। तो आखिर सर ये होता क्या है, तो मैं आपको पहले लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताऊं। लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स यानी प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमारे यहाँ के बेसिक मुद्दे हैं, जैसे लिटरेसी, पॉवर्टी, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सब हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है, ये सब बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है। अब इन इनको सुधारने के लिए, जैसे लिटरेसी, लिटरेसी की अवस्था को सुधारने के लिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए हम शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। तो आई थिंक इट इज क्लियर। लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स यानी जो बेसिक मुद्दा है, पॉवर्टी, इलिटरेसी, इक्विटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब हमारा हो गया लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स। और इनको सुधारने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो जो एग्जीक्यूशन हम करते हैं, जो एक्टिविटीज हम करते हैं, उसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स का दूसरा नाम है जनरल गोल्स, शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स का नाम है स्पेसिफिक गोल्स। शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स 5 साल के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स 20 ईयर्स के लिए होता है। अब अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो सबसे पहला जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए, मैं आपको जरा समझाऊं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज दी जीडीपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाना, ये इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आइए बात करता हूं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स का। देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्या क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहला लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम क्या करते हैं, हमारा लक्ष्य होता है कि अपने जीडीपी को बढ़ाना। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसको अगर हम डिफाइन करें तो जीडीपी का मतलब होता है द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में हम जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उसे हम जीडीपी कहते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा, इकोनॉमिक ग्रोथ में ये लक्ष्य होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है कि
कि हम अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाएं और साथ ही साथ पर कैपिटा जीडीपी को भी बढ़ाएं। व्हाट इज पर कैपिटा जीडीपी? पर कैपिटा जीडीपी इज इक्वल टू होता है जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। यानी इसका मकसद यह है कि जिस रेट से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उससे अधिक ज्यादा रेट से हम अपने जीडीपी को बढ़ाएं, ताकि हमारे कंट्री में कभी भी गुड्स एंड सर्विसेज की कमी ना रहे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का पहला लक्ष्य ये था कि हम अपने जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी को बढ़ावा दे, बढ़ाएं। और जिस कंट्री का जीडीपी ज्यादा होता है बच्चों, याद रखो वो ज्यादा डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। इसलिए हमारा भी लक्ष्य था कि जीडीपी को बढ़ाया जाए। तो स्टैटिस्टिशियन ने बहुत एक रोचक डाटा हमारे पास रखा जिसका नाम है सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। इसमें हम ये जानकारी लेते हैं कि कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा जीडीपी में, कौन से सेक्टर यानी ऑक्यूपेशनल सेक्टर में कौन से सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी पिछले वीडियोस में आप पढ़ चुके हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो आप गौर से इस कंपोजिशन को देखें, बहुत रोमांचक है, बहुत रोचक चीज है। देखिए 1950-51 यानी जिस वक्त हमने आजादी हासिल की उस वक्त एग्रीकल्चर का 59% कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में। आउट ऑफ 100% एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड 59%। देन इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन था 13%, इंडस्ट्री का हालत बहुत खराब था, और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 28%। सिमिलरली जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए एग्रीकल्चर पे आप ध्यान देंगे, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन रहा जीडीपी में वो घटता गया। पहले देखिए 59% से 34.9% हो गया, फिर 20% हो गया, और फिर लगभग 15.5% हो गया 2014-15 में। और जहां सर्विस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो 1950-51 में आप देखिए 28% कंट्रीब्यूशन रहा, फिर वो 40.5% हो गया, और 2014-15 में अल्टीमेटली 54.7% हो गया। 54.7%, इमेजिन कहां 28% था और कहां 54.7%, ऑलमोस्ट डबल वो इंक्रीज कर गया। तो यहां पे ये बड़ा रोचक चीज है, आप ध्यान से देखो हमारा जो पॉपुलेशन है उसका मैक्सिमम परसेंटेज एग्रीकल्चर पे है, यानी कृषि प्रधान देश है हमारा, और वहीं से हमारा जीडीपी कमाता है। यानी सोच लो कि हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो कितना अंडर डेवलप्ड है। जहां पे आधे से अधिक आबादी एग्रीकल्चर के लिए है वहां से जीडीपी ज्यादा आना चाहिए पर है कम, तो ये अच्छा सूचक नहीं होता है। दूसरा, अब आइए इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद हम लोग डील करेंगे इक्विटी। भाई इक्विटी क्या होता है सर? इक्विटी का मतलब होता है समानता। अब इक्विटी दो तरह का होता है, सोशल इक्विटी एंड इकोनॉमिक इक्विटी, ठीक है। तो इक्विटी का मतलब होता है जस्टिस करना, न्याय करना। हम इकोनॉमिकली एंड सोशली जस्टिस करने को इक्विटी कहते हैं। सिंपल मीनिंग इसका है, इक्विटी मतलब समानता। अमीरी और गरीब के बीच जो दूरी है उसको कम करना, ये इक्विटी का लक्ष्य होता है। हम हमेशा ये चाहते हैं, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है हमारा, कि किसी तरह से अमीरों और गरीबों के बीच की जो दूरी है उसको कम किया जाए। तो भाई इसको कैसे कम किया जाए, जरा सोचो, दिमाग लगाओ। तो हम लोग ऐसे इसको कम कर सकते हैं कि अमीरों से हम ज्यादा टैक्स ले सकते हैं और उस टैक्स के पैसे से हम गरीबों को मदद कर सकते हैं, उनको सब्सिडीज दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अमीर थोड़े से गरीब हो जाएंगे और गरीब थोड़ा सा अमीर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इक्विटी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दो ऑब्जेक्टिव अभी तक मैंने आपको बताया, पहला बताया इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा बताया इक्विटी। अब तीसरे में आ जाइए, सेल्फ रिलायंस। देखिए सेल्फ रिलायंस का बड़ा खूबसूरती से डील किया गया है। सेल्फ रिलायंस का दूसरा नाम हम कह सकते हैं इसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है कि हम जो है भारतवर्ष जो है काफी निर्भरशील है विदेशियों पे। विदेशों से बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, गुड्स है जो हम इंपोर्ट करते हैं। तो सेल्फ रिलायंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कहता है कि हम विदेशियों पे भरोसा ना करें, उन पे डिपेंडेंट ना रहे।
जो प्रोडक्ट हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, क्यों ना उसी प्रोडक्ट को हम अपने कंट्री में बनाएं, मेक इन इंडिया अपने कंट्री में बनाएं, इसे हम सेल्फ रिलायंस कहते हैं। तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट को हटाइए, इंपोर्ट को हटा करके अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाइए, जो चीज हम विदेशों से मंगा रहे हैं क्यों ना हम अपनी कंट्री में उसको बनाएं। चौथा ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि सभी को, ऐसे हर किसी को जो इच्छुक है एंड एबल है, विलिंग एंड एबल है काम करने के लिए, उनको काम मिल जाए। यानी किसी तरह से हम अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए हमें अपना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना होगा। और जैसे ही आप देखिए, जैसे ही मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाऊंगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे यहां से पॉवर्टी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, पॉवर्टी विल बी रिमूव्ड। ये था आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। और सबसे अंत में हम लोग आते हैं मॉडर्नाइजेशन। नाउ व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन मतलब आप समझ रहे हो, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, अगर हमें डेवलप्ड बनना है तो कहीं ना कहीं हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से होगा क्या, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी यानी कम समय में हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, हम एफिशिएंसी ला सकेंगे अपने काम में। तो ये पांच इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होता है, विच वी कॉल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकल गोल्स। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे।